हिमाचल प्रदेश के मेधावी छात्रों को प्रदेश सरकार प्रोत्साहन के तौर पर लैपटॉप प्रदान करती है। इस तर्ज पर लाहौल स्पीति से प्रदेश में टॉप रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को ऐच्छिक निधि से 1,00,000 रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा। ये बात आज तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला किशोरी को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला करने के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। आइए देखते हैं केलांग से रंजीत लाहौली की ये रिपोर्ट। वाले ताकि हमारे बच्चों का पढ़ाई जो है कोई रुकावट ना है, बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल मास्टर ना हो, जलभाग ना हो। मुख्यमंत्री महोदय ने एक काम किया था कि यहाँ पर जलभाग के पोस्ट कई सालों से खाली पड़े थे। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया, हमने 10 बच्चे जहाँ पर होते हैं वहां पर जलभाग लेने की कब एक प्रक्रिया शुरू किया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि मुख्यमंत्री महोदय लाहौल स्पीति किन्नौर पांगी भरमौर एक दुर्गम इलाका है, यहाँ पर ये शर्तें कम होनी चाहिए। जहाँ पर 5 बच्चे कम से कम पढ़ते हैं वहाँ भी हमें जल भाग का पोस्ट स्वीकृत होना चाहिए। 6 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है, निश्चित तौर पर उस कैबिनेट मीटिंग में ये कैबिनेट पर एजेंडा आएगा। हम